रही हूँ इस पर छोटा सा वीडियो भोग के बारे में। पानी गर्म करने के लिए बिठा दिया, जब तक पानी गर्म हुआ मैंने वहाँ पे दाल, मूंग दाल जो है उसे थोड़ा सा रोस्ट करके धो के हांडी में जो गर्म पानी है उसके अंदर डाल दिया। इधर मैं फ़ौरन में डाल रही हूँ वाइट ऑयल, उसके साथ घी, और उसके साथ इसमें ऐड होगा तेजपत्ता, ज़ीरा, ये हमारा खिचड़ी के लिए तड़का यूज़ हो रहा है, और सारे पैकेट्स जो है सब कुछ मैं नया ख़रीद के यूज़ करती हूँ। बर्तन भी पूजा वाले जो बर्तन है वो यूज़ कर रही हूँ, बड़े बर्तन में नहीं कर रही हूँ, छोटा ही बर्तन में कर रही हूँ, कम भोग बना रही हूँ इस वजह से। डाल दिया होल गरम मसाला, और किचन धोने के बाद अच्छे से गंगा जल छिड़कने के बाद अलग बर्तन में ही हमारे यहाँ भोग बनाया जाता है, और सारा वेज बनता है विदाउट एनी ऑनियन एंड गार्लिक। उसमें डाल दिया सूखी लाल मिर्च, इसे हल्का सा हमें टेम्पर करना है, और बहुत अच्छा एक खुशबू आ रहा है। और उधर मैंने जो किया था यहाँ डाल दिया अदरक, वहाँ पे मैंने चावल को आधा घंटा भिगोने के बाद उसमें हल्दी लगा के नमक के साथ मिक्स करके रख दिया था, उस चावल को मैंने ऐड कर दिया हांडी में। जब तक हमारा चावल और दाल पक रहा है हम तैयार कर रहे हैं ये तड़का। चावल और दाल में मैंने थोड़े से ग्रीन पीस भी डाला है, तो वो उधर हमारा पक रहा है जब तक तड़का रेडी हो रहा है। डाल दिया उसमें कटे हुए टमाटर और उसे हिलाना है, उसके बाद थोड़े से सूखे मसाले इसमें पड़ेंगे। तो सूखे मसाले में मैं दिखाती हूँ हम मैंने यहाँ पे क्या डाला है। टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, तो यहाँ डाल रही हूँ हल्दी, डाल रही हूँ ज़ीरा, तो थोड़ा इसमें अमाउंट तो ज़्यादा जाएगा क्योंकि खिचड़ी है, अमाउंट भी ज़्यादा है। और यहाँ पे खिचड़ी का जो प्रोपोर्शन मैंने दाल का और चावल का लिया था, चावल यहाँ मैंने लिया था 3 कप और दाल यहाँ पे लिया था 2 कप, वो रेशो मैं यूज़ करती हूँ। डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो मिर्ची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने कश्मीरी डाला ताकि हमारा खिचड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा तीखा ना हो, क्योंकि हर तरीके के फैमिली मेम्बर्स खाएंगे इस वजह से। और उसी तड़के को मैंने डाल दिया पके हुए खिचड़ी में, तो तड़का मैं खिचड़ी में पहले नहीं डालती हूँ, इस तरीके से मैंने डाला। तो खिचड़ी जो है आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, तो ये मेरा एक दूसरा तरीका है जो मैं शेयर कर रही हूँ। खिचड़ी में डालते ही कलर चेंज हो रहा है, और खिचड़ी आप देख ही रहे हैं दाल और चावल बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। नमक मैंने ऑलरेडी चावल में डाला था और पानी में भी थोड़ा सा नमक डाला था, नमक आपको बैलेंस करके डालना है ताकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी ना बन जाए। अब इसे मैं मिक्स कर रही हूँ, और घी भी अच्छे से डालना होता है तभी तो फ्लेवर आएगा ना आपके खिचड़ी में। डाल दिया यहाँ पे स्लिट किए हुए हरी मिर्चें, और इसे हमें ऊपर में अभी फ़िलहाल रखना है ताकि फ्लेवर्स जो है वो धीरे धीरे अंदर जाए, बाद में हम मिक्स कर देंगे इसे भी। और लास्ट में हमें जो डालना है वो है शाही गरम मसाला, तो वो आप घर का पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, बट यहाँ सारे मसाले जो हैं मैंने पैकेट वाले यूज़ किया है, तो उससे फ्लेवर जो है हमारा बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो ये देखिए मैं डाल रही हूँ शाही गरम मसाला, और डालने के बाद हम इसे ढक कर थोड़ी और देर पका लेंगे बिल्कुल धीमी आंच पर, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तक आपको पका लेना है। इस टाइम पे भी आप अपना नमक चेक कर सकते हैं। तो ढक दिया, ये 5 मिनट तक धीरे धीरे पकेगा, तब तक हम लोग अलग से बना लेंगे सब्ज़ी। सब्ज़ी में तेल में थोड़ा सा मैं घी ऐड कर रही हूँ, और ये जैसे गर्म हो जाए, भोग में हम घी जनरली यूज़ करते हैं बिकॉज फ्लेवर वहीं से आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लहसुन प्याज वगैरह यूज़ नहीं होता है। इसमें डाल दिया तेज पत्ता, और आज मैं जो बना रही हूँ आलू गोभी और पनीर की सब्ज़ी। डाल दिया ज़ीरा, इसमें अच्छे से थोड़ा सा हम टेम्पर कर लेंगे इसे जब तक इसका वो चटकने लगे और अच्छा सा एक खुशबू आए। और पहले ही मैंने क्या किया था, पनीर गोभी आलू को अलग अलग फ्राई कर लिया है। डाल रही हूँ दालचीनी,
और थोड़ा सा छोटा इलायची, बस यही हमें डालना है फ़ौरन में। और उसके बाद इसमें डालेंगे एक एक करके, यहाँ पे मैंने अदरक जो है ग्रेट कर लिया था, अदरक डाला 1 चम्मच, टमाटर डाल दिया चॉप किया हुआ, ये आप अंदाज़े से डालिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं अंदाज़े से बनाती हूँ, बनाते बनाते बहुत साल हो गया, तो अभी तो बिल्कुल अंदाज़े से बनाती हूँ, तो उस हिसाब से और जल्दी भी बनता है। तो कटे टमाटर को थोड़ा सा आप पका लीजिए, उसके बाद डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। ये देखिए मैं सारे मसाले जो है डायरेक्टली पैकेट से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सारा अलग से ख़रीदा हुआ है इसलिए। और यहाँ पे यूज़ डाल दिया है यहाँ पे धनिया पाउडर, धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे थोड़ा सा अब मिक्स कर लीजिए, और ये विदाउट ऑनियन प्याज इतना अच्छा बनता है कि मैं क्या बोलूँ, और बहुत स्वादिष्ट बनता है। डाल दिया थोड़ा सा चीनी बैलेंस के लिए, बिकॉज़ टमाटर यूज़ हुआ है तो थोड़ा सा चीनी ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपको नहीं पसंद तो मत डालिए। फिर वहाँ पे मैं डालूँगी ये है सब्ज़ी मसाला, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। तो सारे मसाले जो है आप इस तरीके से डाल दीजिए। डाली यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची, क्योंकि यहाँ पे मैं स्लिट हरी मिर्ची यूज़ करने वाली हूँ, और भोग का जो आइटम्स है बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनता है। डाल दिया थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो मसाले को सबसे अच्छी तरीके से हमें पका लेना है, तभी आएगा हमारे खाने में स्वाद। तो ये तब तक मसाला हमारा जब तक पकेगा, और ऑलरेडी हमारी सब्ज़ियाँ तो फ्राइड ही है, तो इसे बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। खिचड़ी उधर हमारा बन के रेडी है, इधर 5 टाइप ऑफ फ्राइज़ रेडी है। डाल दिया यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन पीस, इससे कलर ऐड होगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। पनीर जहाँ पे ऐड होता है वहाँ पे आप देखिएगा ग्रीन पीस बहुत अच्छा लगता है, तो रेडीमेड पैकेट ही है वो भी। थोड़ा सा डाल दिया नमक, और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। कलर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में रियली बहुत अच्छा बना था। ये देखिए फ्राइड आलू और गोभी मैंने दोनों एक साथ डाल दिया, इसे पहले डाला, पनीर को बाद में डालूँगी, क्योंकि पनीर को तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हम मसालों के साथ अच्छी तरीके से इसे सौटे कर लेंगे, इससे आपके सब्ज़ियों में सारा मसाला का जो स्वाद है वो चला जाएगा। अच्छे से सॉटेज हो चुका है, इसके बाद डाल दूंगी इसके अंदर पानी, क्योंकि हमारी सब्जियों को अभी पकना बाकी है। और डाल दूंगी ढेर सारा स्लिट ग्रीन चिलीज़, इससे फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप इसे ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है ये सब्ज़ी। तो चलिए इसे हम लोग पका लेते हैं। सब्जियां जैसी ही पक गई, डाल दिया उसके अंदर पनीर, क्योंकि पनीर तो ऑलमोस्ट हमारा फ्राइड है और पनीर को पकने में हार्डली एनी टाइम लगता है। तो सब्जियां ऑलमोस्ट जब हो चुका होता है, पक चुका होता है, तब डाल दीजिए पनीर। और पनीर डालने के बाद थोड़ा सा उसको रखने के बाद ही हमारा सब्ज़ी तैयार। ये देखिए 5 टाइप का वेजिटेबल्स, और उधर खिचड़ी जो मैंने अभी पकाया, और है आलू गोभी पनीर की सब्ज़ी। तो देखिए देखने में डिलीशियस लग रहा है, आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिए। माफ़ कीजिएगा, मैंने बहुत शॉर्टकट में ये वीडियो किया है, मैं इसका डिटेल्ड वीडियो ज़रूर दूंगी, क्योंकि पूजा का टाइम था, जल्दी बनाना था, लेकिन आपके साथ शेयर भी तो करना था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।